हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे DGMail के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो नए नए CSEVLE बन रहे हैं उनका DGMail ओपन करने जा रहे हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे DGMail वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो DGMail क्यों नहीं ओपन कर पा रहे हैं। और DGMail वही नहीं बल्कि जो एक साल के अंदर नए नए VLE बने हुए हैं वो सारे VLE नहीं DGMail ओपन कर पा रहे हैं। उनको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती है जब वो DGMail ओपन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको इस तरह का एरर आने लगता है। यहाँ पे देखने को मिल जाता है दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके ये लाते रहते हैं CSEVLE से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो हम क्रोम ब्राउजर से DGMail ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यही इरर आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो CSE के लिए बेस्ट ब्राउजर कहे जाने वाले फायरफॉक्स पे हम चलते हैं और जानते हैं वहाँ पे जब हम DGMail ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या इरर आता है, वहाँ पे भी हम DGMail ओपन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फायरफॉक्स पे और जानते हैं। तो चलिए आ गए हम फायरफॉक्स पे और जानते हैं। फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे बता दें कि फायरफॉक्स एक ऐसा ब्राउजर है जहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या होता है क्रोम ब्राउजर पे, आप फायरफॉक्स से वो समस्या यूज़ करेंगे, वो पोर्टल या किसी भी तरह का पोर्टल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वैसा समस्या नहीं होता। यहाँ पे बहुत कम समस्या देखने को पड़ता है। क्रोम ब्राउजर पे हमें 100% समस्या देखने को मिलता है, यानी कि 100% में से 70% देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 100% में से आपको 10 या 20% देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं CSE के डैशबोर्ड पे और जानते हैं। तो आ गए हैं हम CSE के डैशबोर्ड पे, और CSE के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम चलते हैं DGMail के तरफ। और DGMail यहाँ पे हम ओपन करते हैं, तो DGMail ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे भी एरर आ रहा है वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट। यहाँ पे DGMail साइट फाइंड नहीं कर पा रहा है फायरफॉक्स ब्राउजर भी। तो इसका सोल्यूशन हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बात बताए हैं। और चलिए ये तो हुई फायरफॉक्स और क्रोम ब्राउजर के बारे में, अब हम जानते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल से हम DGMail ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मोबाइल पे हमने आप लोगों को बताने के लिए यह सारा DGMail ऐप डाउनलोड किया है, और देखेंगे हम DGMail ऐप ओपन करके कि यहाँ पे भी हम DGMail ओपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल पे आने के बाद हम फर्स्ट में ओपन करते हैं ऑफिशियल DGMail को, तो यहाँ पे हमें कुछ एरर देखने को मिल जाता है वेब पेज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे वेब पेज अवेलेबल नहीं है। और दूसरा हम ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें तो डायरेक्ट डिसकनेक्ट कर दिया जा रहा है, यहाँ पे हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तीसरा ऐप हम जहाँ यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें CSE और डिजिटल इंडिया का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे वही एरर देखने को मिल जाता है वेब पेज नॉट अवेलेबल। चलिए हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे और क्रोम ब्राउजर पे जानते हैं। तो क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं CSE, और CSE सर्च करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट साइट ओपन करेंगे, और फर्स्ट साइट ओपन करने के बाद हमें थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद डेस्कटॉप साइट मोड कर लेना है, और डेस्कटॉप मोड करने के बाद हमें नीचे आना है, और नीचे यहाँ पे हमने देखने को मिल जाता है DGMail। सिंपल से DGMail पर क्लिक करेंगे। DGMail पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा क्रोम ब्राउजर में वहाँ पे दिस साइट कांट रीच का मैसेज आ रहा था यही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यह इरर हमें क्यों आ रहा है, यह इरर का सामना हम न्यू वीएलई क्यों कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यह एरर हमको इसलिए आ रहा है कि कुछ दिन पहले CSE के द्वारा एक न्यू अपडेट निकल के आया था, जिसमें हमें साफ साफ बताया गया था कि जो न्यू वीएलई हैं वो DGMail सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। DGMail सर्विस को बंद कर दिया गया है, जो न्यू वीएलई हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कर रहे थे पहले से वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि DGMail सर्विस को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हम कहीं भी अपना DGMail ओपन करने जा रहे हैं तो हमें वही एरर आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। और यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप DGMail नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो
यहाँ पे आपको क्लियर रूप से बता दें कि आप डीजीमेल को बंद कर दिया गया है, डीजीमेल सर्विस आप यूज कभी नहीं कर पाएंगे, तो फालतू में आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, कहीं आप दूसरा वीडियो मत देखिए। इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्लियर बताया गया है, और दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारा प्रोसेस बताएगा, लेकिन लास्ट में आपको सेम प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, दिस साइट कांट बी रीच, यहाँ पे सर्विस ही बंद कर दिया गया है, तो आप इस सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जानेंगे सीएससी के और सर्विस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, हम जानेंगे कि डीजीमेल हम क्यों नहीं ओपन कर पा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नए VLE बने हुए हैं और उनको प्रॉब्लम आ रहा है डीजीमेल ओपन करने में, तो उनको यह वीडियो भेजिए और उनको बताइए कि डीजीमेल सर्विस बंद कर दिया गया है, यहाँ पे हम डीजीमेल सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और